इवनिंग एवरीवन सर, पेरेंट्स ने हमसे कुछ और सवाल पूछे हैं। वो जानना चाहते हैं कि इस केस में, फ्लू और फीवर विद रैश के केस में, वो क्या कर सकते हैं घर में अपने बच्चे को अच्छा महसूस कराने के लिए। देखिए, उसको पानी पिलाते रहें, एनर्जी ड्रिंक्स देते रहें, जिससे अगर हाइड्रेशन उसका अच्छा मेंटेन रहेगा तो फीवर कम महसूस होगा, उसकी बॉडी में कमजोरी कम आएगी और बच्चा आपको प्लेफुल दिखेगा और स्किन भी उसकी अच्छी दिखाई देगी। तो हमने एनर्जी ड्रिंक पिलाने के लिए हम सबको कार्ड भी देते हैं कि एक एक चम्मच करके आप 200 ml आधा घंटे में ख़त्म कर दो। जी, बॉटल से या ग्लास से देने की चेष्टा ना करें, उससे बच्चा इतना एनर्जी ड्रिंक नहीं ले सकता। दूसरा, आप एनर्जी ड्रिंक 4-5 तरह के ले लें मार्केट से, जो भी बच्चे को अच्छा लगे वो पिला दें आप। सर, किसी दवाइयों से भी एडवर्स ड्रग रिएक्शन की वजह से बुखार और रैश हो सकते हैं बच्चों में? बिल्कुल, जैसा कि अपूर्व हमने लास्ट भी बताया था कि दवाइयों से रैश काफ़ी कॉमन है और ये जो इनडिस्क्रिमिनेटली एंटीबायोटिक्स यूज होती हैं उससे रैश बहुत आते हैं। ओके सर, सर हम डिस्टिंग्विश कैसे कर सकते हैं फीवर विद रैश में कि ये किस तरीके का है? देखिए, रैश के ना बहुत सारे टाइप्स हैं, जैसे चिकन पॉक्स में एक्यूमिनेट लीजन्स होते हैं, पानी भरे हुए दाने होते हैं, मीजल्स का जो रैश है वो जब निकलता है तो कॉइलिसेंट कर जाता है, जो मिल जाता है आपस में मिक्स हो जाता है। और जैसे कॉर्नियल बैक्टीरियम का रैश है, उसमें हाथ और पैर और फेस बचा रहता है। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स होते हैं रैश के, जिसको देख के हमें आइडिया लग जाता है। सर, कोई स्पेसिफिक डायग्नोसिस भी होती है इस तरीके के बुखार के लिए? हाँ, जैसे कावासाकी डिसीज बहुत स्पेसिफिक है, और जहाँ रैश के बारे में पता चल जाता है रैश, और मल्टीपल इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम जिसमें इथ्रोडर्मा हो जाता है, जो कोविड पोस्ट कोविड बच्चों को काफ़ी हुआ है, तो वहाँ पता चल जाता है। सर, इस तरीके की डिजीज में कुछ और भी सिम्टम्स होते हैं जो हम बच्चों में नोटिस कर सकते हैं? हाँ, बच्चों को खांसी जुकाम हो सकता है। आपको बच्चे की रियल पिक्चर ना दो चीज़ों से पता चलती है, जितना एनर्जी ड्रिंक पिलाते हैं और जितना आप बच्चे के सामने नेगेटिवली कम बोलते हैं। पेरेंट्स बच्चे के सामने, आजकल घर घर में फ़ोन है तो वो अपनी फ्रेंड्स को या इसको बताते रहते हैं कि इसको तो रैश निकल आया, हमने सारी वैक्सीन भी लगवा रखी हैं और ये तो बहुत सीरियस हो रहा है, इसने तो गर्दन भी नहीं संभाल रहा है, कुछ खा ही नहीं रहा। तो बच्चा इस तरह की बातें सुन सुन के और सेंसिटिव हो जाता है। सर, ऐसा भी हो सकता है कि वैक्सीनेशन के बाद भी बच्चों को ये चीज़ें हो? वैक्सीन देखिए, सारी बीमारियों का वैक्सीन तो नहीं लगता है, और करीब करीब 25-26 बीमारियां जो रैश करती हैं, इतने सारे टीके नहीं लगते हैं। टीके तो सिर्फ खतरनाक बीमारियों के बने हुए हैं। सर, आगे मैं ये पूछना चाहूँगी, मेरी साइड से सवाल है कि आजकल बहुत भीड़ हो रही है क्लिनिक्स पे, तो उस चीज़ को मैनेज करने के लिए पेरेंट्स देखिए इसमें ना उसे मैनेज करने के लिए 3-4 बातें हैं जो मैं देखता हूँ। एक तो कभी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ना लें आप लोग, ना डॉक्टर से संबंध हो ही जाते हैं, उन्हें डायरेक्ट फ़ोन कॉल करते हैं। अब डॉक्टर तो रिसेप्शन पे नहीं बैठा, वो कैसे नंबर देगा? दूसरी बात ये कि आप रिसेप्शन का नंबर सेव करें। तीसरा, मंडे और सैटरडे जाने से बचें, क्योंकि मंडे और सैटरडे जनरली संडे छुट्टी होने की वजह से जो भी फेमस डॉक्टर हैं उनके पास ज़्यादा पेशेंट होते हैं, क्योंकि वो भारत के पेशेंट उन पर काफ़ी आते हैं। और बाकी वहाँ अगर आप जाके नंबर लिखवाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और कुछ ना, बच्चों की डॉक्टरी में ये है कि बच्चों को बार बार देखना होता है, तो बहुत से पेरेंट्स ये सोचते हैं कि एक पर्चे भी दो बार दिखाना ही है जी। तो जब बच्चे ठीक भी हो जाते हैं तो भी वो बच्चे को लेके वहाँ जाते हैं, इसलिए क्राउड रहता है। जैसे किसी डॉक्टर ने आज 40 किट्स देखे तो उसमें से 30 लौट आए तो 70 हो गए उसके नेक्स्ट डे, और इससे सभी का टाइम वेस्ट होता है। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू ऑडियंस, आपके कुछ क्वेश्चंस हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।